आज तो माहौल बेहद शांत है, क्या लगता है दुश्मन क्या कर रहे होंगे? खा पी कर सो गए होंगे ससुर के नाते। अच्छा फिर साला हम चौकीदारी क्यों करें, चलो हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जवानो। सर। जवानों खबरदार, दुश्मन को कभी कम मत समझना। अगर तुमने दुश्मन को कमजोर समझा तो अगले ही पल दुश्मन तुम्हें धूल चढ़ा देगा। ठीक है सर। जवान बॉर्डर के क्या हाल है? कोई हलचल नजर नहीं आ रही सर। अच्छा लाओ मुझे दूरबीन दो। ये क्या है बे, कुछ नजर आया क्या सर? अरे दुश्मन तो झाड़ियों में छुपा बैठा है। बेवकूफ, तुम तो बोल रहे थे कि कोई हलचल नहीं है, दुश्मन तो झाड़ियों में छिपकर बैठा है। क्या झाड़ियों में? हाँ दुश्मन इंतजार कर रहा है कि कब तुम यहाँ से हटो और वह बॉर्डर पार करके देश में घुस आए। दिखाइए सर कहाँ है दुश्मन। लो देखो। अरे बाप रे, ये तो सच में आतंकवादी छुप कर बैठे हैं। देख लिया? जी सर देख लिया, पर एक बात हमें समझ में नहीं आई। कौन सी बात? साला हम कब से बॉर्डर पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, हमें ये आतंकवादी क्यों नहीं दिखे? बेटा तुम देख लेते तो आज मेरी जगह तुम खड़े होते। दुश्मन को देखने के लिए चील की निगाह चाहिए, चील की। साला अब ये चील की निगाह कहाँ से लाए? सर आपने कहाँ से लगवाई चील की निगाह? बेवकूफ अपने सीनियर से मजाक करता है। अरे सॉरी सर सॉरी। अबे सॉरी को मार गोली, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। जी सर बताइए। तुम सब उस दिशा में चले जाओ, मैं यहीं छिपकर दुश्मनों का इंतजार करता हूँ। अरे पर सर आतंकवादी तो इस तरफ है, हम उस तरफ जाकर क्या करेंगे? बेवकूफ सीनियर कौन है? आप है सर, फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ठीक है सर। ए सुनो तुम सब मेरे पीछे आओ। हुजूर लगता है इंडियन आर्मी वाले पहरा देने निकले हैं। क्या सच में? लाओ जल्दी से मुझे दूरदर्शक यंत्र दो। दूरदर्शक यंत्र? ये क्या होता है भला? लाहौल विलकुत, दूरबीन तो मुझे बेवकूफ। ओ, माफ कीजिएगा हुजूर। सुभान अल्लाह, आखिर ये इंडियन आर्मी वाले रास्ते से हट ही गए। हुजूर तो क्या अब हम बॉर्डर पार कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब हमें बॉर्डर पार करने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। आओ बेटा आओ, आज मैं तुम्हारी मैयत यही निकालूंगा। कमबख्तों चलती चलो, कहीं इंडियन आर्मी वालों ने देख लिया तो हमारा कचुंबर बना देंगे। वाह हुजूर, आखिर हमने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रख ही दिया। सुअर के बच्चों अब तुम बेहतर हूरों के पास जाओ। गोली लग गई। मूसा क्या हुआ तुम्हें? हुजूर मुझे गोली लग गई, मैं अब बेहतर हूरों के पास जा रहा हूँ। मेरे आका आप मकसद मत भूलना, आपको हिंदुस्तान पर फतेह हासिल करनी है। अबे ये चूसा क्या फतेह हासिल करेगा, मैं इसे भी तेरे पीछे भेज रहा हूँ। रुक। ए मेरे परवरदिगार ये क्या हो गया, मुझे भी गोली लग गई। हुजूर किसी ने मेरी भी टिकट काट दी, मुझे भी गोली लग गई। कौन है यहाँ जिसने हम पे गोली चलाई? मरते मरते अपना चेहरा तो दिखा दे कमजोर इंसान। आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती। इंडियन आर्मी, पर तुम लोग तो यहाँ से दूर चले गए थे। दूर तो मेरी बटालियन के जवान गए थे, मैं तो यहीं पर छिपकर तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि कब तुम लोग मेरे देश की धरती पर कदम रखो और मैं तुम्हें गोलियों से छलनी कर दूं। हा? बड़ा ही बेवकूफ बनाकर गोली मारते हो तुम इंडियन आर्मी वाले। हा?
अरे वाह सर जी, आपने तो इन्हें बहत्तर होड़ों के पास भेज दिया। मेरी भारत माँ की तरफ दुश्मन ने आंख उठाकर भी देखा तो उसका अंजाम यही होगा। बोलो भारत माता की जय।